तो यहाँ पे देखिए कि हमारे सामने जो शेप्स पे हमने कल किया था, तो हमने देखा था शेप को किस तरह से डिज़ाइन कर रहे थे। तो सबसे पहले हम जा रहे थे शेप्स के अंदर और यहाँ से हम जाके शेप को ड्रॉ कर रहे थे। फिर शेप को ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि शेप पे क्लिक करने पे एक नया टैब एक्टिवेट होता है जिसका नाम है शेप फॉर्मेट, और उसके अंदर मुख्तलिफ पैनल्स हैं, जैसे एक इंसर्ट शेप है, दूसरा शेप स्टाइल्स है, वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं, टेक्स्ट है, अल्ट्रा टेक्स एक्सेसिबिलिटी अरेंजेस है, साइज का कुछ ऑप्शंस मौजूद है। अब हमने पहले देखा था कि शेप के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इनसाइड जिसको हम कहते हैं शेप फिल, और दूसरा होता है इसका एक्सटीरियर पार्ट जिसको हम कहते हैं शेप आउटलाइन। तो शेप फिल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कलर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें हम कलर भर सकते हैं, और आउटलाइन में जो इसके आउटलाइंस हैं उनको भी कलर्स हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमने अंदर से खाली करना है तो नो फिल कर देंगे, और अगर अंदर कलर देना है और आउटलाइन नहीं देनी तो नो आउटलाइन कर देंगे। तो ये चीज़ें तो हमने कल कर ली थी। उसके अलावा इसके रैप टेक्स वगैरह के कुछ ऑप्शन भी ये थे। अभी हम देखेंगे शेप्स को ग्रुप कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक से ज़्यादा शेप हैं और उससे मिला के कोई दूसरा शेप बना रहे हैं, तो उसको हम ग्रुप भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे क्लिक किया और उसका मैंने शेप का डुप्लीकेट लिया। अब शेप का डुप्लीकेट कैसे लेंगे, शेप पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे तो इसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा। उस डुप्लीकेट को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से क्लिक करके उसके अंदर कोई भी कलर हम फिलअप कर सकते हैं। तो ये देखिए उसके अंदर एक कलर फिल हो गया, ये शेप का डुप्लीकेट हो गया। अब इसको रीसाइज करना है, इसकी विड्थ वगैरह को कम करना है, तो यूजुअली आप इसको यहाँ से पकड़ के इसे कम करेंगे तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी, और इसको उठा के मैंने इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर रख दिया। अब इस तरह से इसका एक और डुप्लीकेट लिया और उसको उठा के मैंने यहाँ किया, और उसके बाद इसके अंदर एक और कलर फिलअप कर दिया मैंने यहाँ से, और उसको उठा के हमने इस तरह से रख दिया, और फिर उसके बाद एक और इसका डुप्लीकेट लिया और उसको एक और कलर देके मैंने उसके अंदर इसको इस तरीके से फिलअप कर दिया, और इसके अंदर जो कलर मैं दे रहा हूँ ये मैंने इस तरह का कलर दे दिया। अब हुआ ये कि ये तीन चार शेप मिलके एक और शेप बना रहे हैं। तो ये जो बना रहे हैं हम दो तीन शेप, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट के साथ हमने यहाँ क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, तो ये चारों शेप हमारे सेलेक्ट हो गए। पर ये शेप के साथ शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, मतलब वैसे आप यूजर चार नहीं, देखिए वैसे आप क्या करेंगे, अगर आप ऐसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक पे क्लिक किया, शिफ्ट का बटन होल्ड किया, फिर दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपने जैसे एक पे क्लिक किया फिर दूसरे पे क्लिक किया तो पहला डी सेलेक्ट हो जाएगा और तीसरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट के साथ ये होगा कि आप होल्ड करेंगे तो क्लिक करते जाएंगे वो तीनों चारों शेप आहिस्ता आहिस्ता सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपने शेप फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से जाके इसको क्लिक करना है। कहाँ पर, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा ग्रुप और का, अगर आप यहाँ पे नहीं जाते तो फिर आपने यहाँ पे राइट बटन दबाना है। और यहाँ पे भी ग्रुप का ऑप्शन आएगा और जहाँ से इसको आप ग्रुप भी ले सकते हैं। तो दोनों में से देखें कमांड के आइकन्स एक जैसे हैं और काम भी एक जैसा करेगा, तो ग्रुप कर देंगे तो ये देखें मिलके एक शेप बन जाएगा। अब इस एक शेप को आप इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं और इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अंदर वाले शेप भी रीसाइज हो जाएंगे। ये एक फीचर है जिसको हम कहते हैं ग्रुप कर देना। अब आप इसमें जितने शेप्स को ग्रुप करेंगे वो लाएंगे शिफ्ट के साथ उसको ग्रुप करते चले जाएंगे। ये हमने देखे उठा के यहाँ पे रख दिया इस तरह से, हाँ भी हो सकता है ठीक। उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो उसके बाद हमने शेप्स के अंदर जैसे कि आप शेप के साथ टेक्स्ट को कैसे ग्रुप करेंगे, तो शेप के साथ टेक्स्ट को ग्रुप करने के लिए आपको थोड़ा सा फिर आगे चलना पड़ेगा, उसमें देखेंगे कैसे करेंगे। लेकिन इसमें एक तरीका है जिस तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक शेप लिया है सर्कल का और उस शेप के अंदर एक और डुप्लीकेट करके उसके अंदर शेप लिया है और उसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो इस पर राइट बटन दबाएंगे किसी भी शेप पर और क्या करेंगे इसको ऐड टेक्स्ट। जैसे ऐड टेक्स्ट करेंगे तो इसके अंदर कोई भी आप शेप लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। सपोज टू बी मैंने आर लिख दिया और कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर दिया और फॉन्ट साइज को यहाँ से इसको इंक्रीज कर दिया ठीक है, और इसको यहाँ से बोल्ड करके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर देना है, और उसके बाद इसके साइज को भी मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। साइज को रिड्यूस करने के बाद जो इसमें टेक्स्ट लिखा है इसको सेलेक्ट किया और इसके जो स्पेसिंग है वो मैंने 1 पे रख दी और लेफ्ट पे इसको थोड़ा सेट कर दिया। अब इसके अंदर मैंने शेप को खाली कर देना है, तो मैं क्या करूँगा शेप फिल में जाके इसको नो कलर कर दूंगा। अब टेक्स्ट का कलर क्योंकि व्हाइट है तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है। जब आप इसको उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली पीछे ग्रे कलर है तो वो डिसअपियर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके जो आउटलाइन है इसको भी खत्म करना चाह रहा हूँ तो आउटलाइन पर जाऊंगा और यहाँ क्लिक करके नो आउटलाइन कर दूंगा, तो वो भी इसके खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा टेक्स्ट को अच्छा था स्टाइल देना चाह रहा हूँ तो ये बड़े बड़े स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई भी एक अच्छा सा स्टाइल आप लगा सकते हैं यहाँ से जो आपके सामने अवेलेबल है। तो मैं ये वाला लगा देता हूँ स्टाइलिस पर, उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, फिर शेप के साइज को एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा। अब दो शेप हो गई और नीचे वाले को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके
शेफ फॉर्मेट में जाके यहाँ से ग्रुप कर लें, या फिर राइट बटन दबा के वहाँ से ग्रुप कर लें। ये देखिए, ये भी शेफ आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुप करके भी शेफ्स को अनग्रुप करके भी देख सकते हैं, और उसमें फिर आपको इस तरह से मूव करने में ईजी रहेगा कि मैं इसको उठा के यहाँ पर लगा देता हूँ। जब भी शेफ्स को अलग अलग करना हो तो राइट बटन दबा के ग्रुप में जाके अनग्रुप कर दें, या फिर शेफ फॉर्मेट में जाके यहाँ पर क्लिक करके आप इसको भी अनग्रुप करते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल शेप्स को मिला के एक नया लेआउट बना सकते हैं, और फिर उनको अनग्रुप भी कर सकते हैं, जिससे वो अलग अलग हो जाएंगे। पर इसमें मल्टीपल शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करना लाजमी होगा, अलग अलग ग्रुप नहीं होंगे वो। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन आता है शेप का ऑर्डरिंग ऑफ द शेप, मतलब तरतीब देना शेप को, किस तरह से तरतीब देंगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेप बनाया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर है उसको इसे फॉलो किया गया है, कि यहाँ पर आपने एक अगर शेप बनाया है तो अब आप एक दूसरा शेप बना रहे हैं, वो माइट भी कोई दूसरा हो सकता है। मैं इसका कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट देता हूँ। कल जैसे मैंने आपको सिखाया था कि शेप को चेंज कैसे करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, चेंज शेप करेंगे, तो इस शेप को हम किसी भी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखें, एक दूसरे शेप में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये एक शेप अलग हो गया, वो एक शेप अलग हो गया। अब इस शेप को मैंने उठा के आगे रख दिया। अब ये आगे क्यों आ रहा है? इसी तरह मैंने को कंट्रोल डी किया तो एक और इसका डुप्लीकेट आ गया, और वो इसके भी आगे आ रहा है। अब मैं तीनों शेप्स को अगर अलग अलग कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको ये कलर दे दिया, और इस बीच वाले को क्लिक करके मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया, और आगे वाले को इसको क्लिक करके मैंने इसको एक और अलग कलर दे दिया, तो आप देखेंगे तीनों को अलग अलग कलर है, और एक दोनों के ऊपर ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब मसला ये है कि भाई ये सबसे ऊपर क्यों आ रहा है, ये इसको तो मुझे पीछे भेजना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ग्रीन वाला शेप जो है रेड वाले के पीछे जाए, तो इस अमल को किसको पीछे भेजना है, किसको आगे भेजना है, इसको हम कहते हैं शेप ऑर्डरिंग। तो अब आप कैसे करेंगे, शेप फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ से जाके आप इसका जो ऑर्डर है वो चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं सेंड बैकवर्ड, और सेंड बैकवर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक दफ़ा क्लिक किया, दो दफ़ा क्लिक किया, देखिए उसके पीछे चला गया। और मजीद मिसाल के तौर पर ये रेड वाला जो है ये इसके पीछे चला जाए, तो उसको सेंड बैकवर्ड किया तो ये उसके पीछे चला गया, और ग्रीन वाले के भी पीछे चला गया। ग्रीन वाले को मैं इसके पीछे भेजना चाह रहा हूँ, सेंड बैकवर्ड कर दिया तो ये उसके पीछे चला गया, और इसको मैं इसके आगे, ये तो ऑलरेडी आ गया, इसको पीछे भेजना, सेंड बैकवर्ड किया तो ये उसके आगे आ गया। तो इस तरीके से आप एक शेप को दूसरे शेप के पीछे भेज सकते हैं, जैसे पीछे भेज रहे हैं वैसे आगे भी ला सकते हैं। कैसे, इस ग्रीन वाले शेप को मैं आगे लाना चाहता हूँ तो मैं करूँगा ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये देखें एक दफ़ा, दो दफ़ा, ये देखें इसके आगे आ गया। इस तरह मैं इसको इसके आगे लाना चाहता हूँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड, ये देखिए इन सब के आगे आ गया। तो इस तरीके से आप शेप का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कौन से शेप को आगे रखना है और कौन से शेप को पीछे रखना है, वो आप यहीं से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शेप का ऑर्डर सेट करना। अब आते हैं अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट में क्या होता है, मिसाल के तौर पर समटाइम आप कुछ इस तरह का असाइनमेंट कर रहे होते हैं जिसमें आपके शेप बहुत सारे हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कहीं में इस तरह के बॉक्सेस डिजाइन करने हैं कि एक शेप का जो बॉक्स है आपका इस तरह से है, और उसके बाद कंट्रोल डी करा आपने, एक बॉक्स आपका इसके बराबर में ऐसे आएगा, और फिर कंट्रोल डी किया, फिर एक बॉक्स ऐसे आएगा, और फिर इसके नीचे भी बॉक्स आने हैं, और फिर कंट्रोल डी करते जाएंगे ऐसे भी आने हैं, और फिर यहाँ पे ऐसे भी आने हैं। अब ये ऐसे सेट करने में बड़ा टाइम लगता है, तरतीब सेट नहीं हो पाती, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे अलाइन का ऑप्शन। आप कैसे इनको अलाइन करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने इस शेप को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ होल्ड किया, दूसरे शेप को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ होल्ड किया, तीसरे शेप को सेलेक्ट किया। जब तीनों सेलेक्ट हो गए या जितने भी थे सबको सेलेक्ट कर लिया, तो आप चले गए अलाइन पे। अलाइन करने में आपके पास दो सिचुएशंस हैं, एक है लेफ्ट राइट टॉप लेफ्ट राइट सेंटर सिचुएशन है, और दूसरी सिचुएशन है टॉप बॉटम सेंटर। हम इसको लेफ्ट राइट सेंटर वाली सिचुएशन में डील नहीं कर सकते, इसको हम सेट कर सकते हैं टॉप और मिडल और बॉटम सिचुएशन पे। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये टॉप पर सारे एक लेवल पर हो जाएं, तो ये देखें सारे के सारे टॉप पर लेवल पर हो जाएंगे। ये देखिए सारे ऊपर की तरफ लेवल में हो गए। अब मैं इसको अगर अंडू करूं यहां से, तो दोबारा से ये हो गए। और इसी तरह अगर मैं नीचे की तरफ इसको बैलेंस करना चाह रहा था तो यहां से बॉटम करूंगा, और ये देखिए इस तरह से ये नीचे की तरफ हो जाएंगे, हो गए। ठीक है, अब दूसरा मसला इसके अंदर मुझे ये आएगा कि यार ये तो ठीक हो गया, काम जबरदस्त हो गया, लेकिन ये जो इनका स्पेस है बीच का, ये कैसे कंट्रोल होगा। अब इसको भी सेट करना बड़ा मसला है, अगर ज़्यादा है तो सेटिंग कैसे होगी। तो आपने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, ये जितने थे उनको सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक किया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने एक ऑप्शन लिया। यहाँ पर भी आपके पास दो सिचुएशन है, या तो हम इनको टॉप एंड बॉटम करेंगे या फिर लेफ्ट राइट सेंटर पर करेंगे। हमारे शेप चूंकि ऐसे रखे हुए हैं तो इसमें ये वाली सिचुएशन बेहतर रहती है, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। जैसे ही इस पर आप कमांड पर क्लिक करेंगे तो आप नोट करेंगे दोनों शेप के बीच का गैप इक्वल हो जाएगा, और ये आपका कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद कर देगा। तो देखिए कैसे अरेंज होगा ये, सही है। सिमिलरली यही ट्रिक हम इस नीचे वाले पे अप्लाई करते हैं, इसको तीनों को शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया,
और उसके बाद मैंने क्या किया, अलाइन में जाके इनको भी क्लिक किया यहाँ पे अलाइन पर, और इसको मैंने बॉटम कर दिया। और उसके बाद इसके लिए भी मैंने अलाइन में जाके इसको भी कर दिया डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। लेकिन इनका मामला और इनका मामला अलग है। मामला क्यों अलग है, क्योंकि देखिए इनके गैप्स अलग थे और इनके गैप्स अलग थे, उनको उसके हिसाब से एडजस्ट किया और इसके हिसाब से एडजस्ट किया। लेकिन मैं तो ये चाह रहा था कि बिल्कुल ऐसी जैसी रो होती और मैं इसके नीचे रख लेता, तो उसके लिए मुझे क्या करना था उसके लिए मुझे दूसरी स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करा, पहले ऊपर वालों को अरेंज कर लिया, फिर शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट किया, और फिर जब तीनों सेलेक्ट हो गए तो शेफ फॉर्मेट पे जाके यहाँ ने मैंने इसको क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर दिया। अब जैसे ही ग्रुप कर दिया तो कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट किया, उसका एक और ग्रुप निकाल लिया और उसको उठा के नीचे यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। उसके बाद तीसरा एक और डुप्लीकेट ले लिया और उसको उठा के उसके नीचे सेट कर दिया। अब मुझे मसला आया कि ऊपर नीचे से सही सेट नहीं हो रहे, तो फिर मैं क्या करूंगा, अब ये एक क्लस्टर है, ये शिफ्ट के साथ दूसरा क्लस्टर सेलेक्ट किया और ये शिफ्ट के साथ तीसरा क्लस्टर मैंने सेलेक्ट किया। तीनों सेलेक्ट हो गए, अब मुझे इनको लेफ्ट पे राइट पे या सेंटर में पहले तो अलाइन करना है। तो मैं दोबारा से जाऊंगा इसके अंदर और यहां जाके मैंने इसको लेफ्ट पे सेट कर दिया। तो देखें तीनों लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएंगे, हो गए। उसके बाद इनके बीच के स्पेस को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब वहां पे मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा था लेकिन सिचुएशन अब चूंकि यू है तो मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। तो देखें इनके बीच का स्पेस भी इक्वल इक्वल हो गया और अब ये मेरा काम आसान हो गया और मेरा जो पूरा पैकेज था वो तैयार हो गया, जिसके अंदर जो भी चीज़ मैं चाहूँ इजीली कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप शेप के साथ अलाइन और लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, टॉप बॉटम और इनके बीच की स्पेसिंग को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है ना, ये कमांड भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो ऑर्डरिंग भी हो गई, अलाइनमेंट और स्पेसिंग भी हो गई, और यहाँ पर हमारे पास अब आ जाता है रोटेशन के ऊपर। तो रोटेशन कैसे करते हैं, चौथा टॉपिक है इसका। तो रोटेशन आसान है, रोटेशन करने के लिए कोई इतना मामला नहीं है, लेकिन बस उसको समझ लें कैसे रोटेट करते हैं। देखिए आपके पास ये एक शेप है, मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, ये एक शेप लेते हैं यहाँ से ये वाला, और ये शेप मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। तो अब ये जो शेप है बेसिकली ये एक इस 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा हुआ जो कि स्ट्रेट है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये शेप इस तरह से फ्लैट हो जाए, ऐसे फ्लैट हो जाए, ठीक है। तो मैं करूंगा इसके रोटेशन पे जाऊंगा, कहूंगा राइट साइड पे 90 डिग्री पे फ्लैट हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि लेफ्ट साइड पे, यानी कि ये इस तरह से फ्लैट ना हो बल्कि ये इस तरह से फ्लैट हो जाए, तो लेफ्ट साइड पे 90 डिग्री पे फ्लैट हो जाए, सही है। अच्छा ये तो हो गई राइट साइड पे, फिर करूंगा जितनी बार करता जाऊंगा 90 डिग्री पे घुमाता जाएगा और घुमा के फिर इसको एक दफा फिर ये ऐसे सीधा भी कर देगा। अच्छा अब दूसरा ऑप्शन आता है कि फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल क्या होते हैं, उसको हम इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक शेप है जो हमने ड्रॉ किया है या हमारे पास मौजूद है, ये वाला शेप। अब इस शेप को मैंने किया पहले यहाँ पे जाके रोटेट के ऊपर राइट साइड पे 90 डिग्री, ये उल्टा हो गया। अब मुझे इसको सीधा करने के लिए दो दफा 90 डिग्री की कमांड देनी पड़ेगी। तो देखिए सीधा हो जाएगा एक और ये दो, और दोबारा से उसको उल्टा करने के लिए दो बार डिग्री कमांड देनी पड़ेगी। तो मैं अगर चाहता हूँ ये जो इस डायरेक्शन में है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा रोटेट पे क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल करना पड़ेगा इस तरीके से। इसी तरीके से आप इस पर दोबारा क्लिक करके यहाँ से फ्लिप पे क्लिक करके दोबारा से आप इसके रोटेशन पे जाएंगे और फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो दोबारा सीधा हो जाएगा। मतलब आपको दो दफ़ा कमांड को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा कर लें और सीधा करने के बाद उसको उल्टा कर लें एक ही कमांड के जरिए, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से अगर इसी कमांड को आप राइट साइड पे 90 डिग्री पे रखते हैं तो आप दोबारा घुमा के लाएंगे 90 डिग्री दो दफ़ा कमांड देनी पड़ेगी तो इसका मुंह फिर इस साइड होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी डायरेक्शन को डायरेक्टली कर दूँ तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पर हो जाएगी, और दोबारा करने पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल ये इसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज की जा सकती है। तो इस तरह से दोनों काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसका कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट लिया और उसको उठा के इसके आगे रख दिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो ये देखिए इस तरह से हो गया। तो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ये मेरे शेप से मिलकर एक और शेप क्रिएट हो गया इसके साथ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया रोटेशन, ये हो गया इसका ऑर्डरिंग, और ये इसका हो गया ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग, और ये अलाइनमेंट और स्पेसिंग हो गया, रैप टेक्स्ट, और ये तो हम कर सके थे। पोजीशन में क्या होता है, अब आपको पेज के हिसाब से अपने शेप की कोई पोजीशन निकालनी है कि भाई यार ये वाला जो शेप है ना मुझे अपने पेज के किसी खास पोजीशन पर चाहिए, तो इस पर क्लिक करें और पोजीशन पर चले जाएं। ये देखें ये आपका पेज है और ये पिक्चर इसकी पोजीशन है, ये हो गया टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट,
सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, किस पोजीशन पे एग्जिट आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, वो ऑब्जेक्ट उस जगह पे मूव होके इजीली पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ये सारे टॉपिक इसके कंप्लीट हो गए।